हेलो गाइस, दिस इज मी शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोस्टेक इन्फो। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गॉक्स 2022 हॉलीवुड मूवी के बारे में। ये एक फैंटेसी एंड हॉरर मूवी है। तो गाइस, बहुत ही मैंने सोची थी कि अच्छी मूवी होने वाली है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने शुरू में जब मूवी को देखना स्टार्ट किया तो शुरू से ही एक ऐसे कपल दिखाए गए, यानी कि जो एक ऐसे घर में रहने के लिए जाते हैं जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। बोलने से ही आपके साथ जो है उस चीज़ का रिएक्शन होता है। तो आप लोग किसी चीज़ का, आपको खाने को कुछ चाहिए, आपको नहाने को कुछ चाहिए, तो सारा कुछ आपको अवेल ऑटोमेटिक दिया जाता है। आपको जो है अपना मसाज करना है या फिर शेव करनी है या फिर आपको कुछ देखना है सिनेमा के लिए, आपको कुछ मैसेज टाइप करना है, कुछ भी करना है, तो ऑटोमेटिक उस घर में ऐसा फंक्शन दिया होता है जिसमें आप मतलब ऑटोमेटिक कुछ भी आप करवा सकते हो। आपको खाना चाहिए, आपको नहाना है, कुछ भी है, मतलब सारा कुछ डिज़ाइन किया हुआ है ऑटोमेटिक। आपको नहाना है, आपके गेट खुलने तक का जो है डिज़ाइन एक उस कमरे का किया होता है जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया हुआ है। और वो एक हॉरर रूम है या एक हॉरर घर होता है, एक ऐसा जिसमें आपके रहने के लिए जाते हो। तो मूवी के शुरू में ऐसा होता है कि जो एक कपल जो रहने के लिए जाते हैं अपना एक्सेप्ट लाइन में उसको रूम के अंदर जाते हैं, तो मतलब कुछ टाइम तो वो रेस्ट करते हैं, कुछ टाइम इन्जॉय करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आप वो उस कपल में से जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो यानी कि अपने एक चेयर पे रेस्ट चेयर पे होता है, बैठता है। और उसके बाद क्या होता है उसके साथ, वो मतलब वो जो मतलब थेरेपी के लिए या फिर अपने सुकून के लिए दिमाग को रेस्ट के लिए एक फॉर्म टाइप चेयर होती है, उसके ऊपर बैठ जाता है। तो जैसे वो बैठता है तो वो क्लोज़ होने लग जाती है अपने आप ही। वो क्लोज होते होते उसका एक लिमिट होता है, लेकिन वो बंद नहीं होती, लेकिन वो सर को दबाती जाती है, अपने हाथों को दबाती जाती है, ऐसे करके टोटल वो आहिस्ता आहिस्ता वो फुल करके ना उसके सर को फाड़ देती है। उसकी बीवी बचाने के लिए आती है, तो वहाँ पे जो है मतलब उसकी गर्लफ्रेंड होती है या बीवी होती है, वो जो भी है मतलब वो बचाने के लिए आती है, तो वो स्विच को ऑफ़ करने के लिए निकालती है, तो वो स्विच ऑफ नहीं होता। मतलब उसको भी एक झटका लगता है इलेक्ट्रिक का, एक ऐसा शॉक जिससे वो दूर जाके गिरती है। और इस तरह क्या होता है कि वो बंदा फट जाता है, और इस तरह मूवी की शुरुआत होती है। तो मैंने देखा, मैंने कहा काफ़ी बहुत ही अच्छी होने वाली है ये मूवी, बहुत ही कमाल की होने वाली है वो, क्योंकि इंट्रो इन्होंने बहुत ही अच्छा दिखाया होता है। उसके बाद इन्होंने अलग से जब भी मूवी की स्टार्टिंग के बाद एक अलग से सीन चला दिया थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी देर के लिए तो ऐसे चलती रही। उसके बाद सिक्स कपल और जो उस घर में रहने के लिए आते हैं एक रेस्ट के लिए, एंजॉय के लिए, अपना एक बोरिंग डे को एक एंजॉयमेंट डे में तब्दील करने के लिए जो वहाँ पर रहने के लिए आते हैं, तो वो क्या होता है, काफ़ी टाइम उनको उसी घर में रेस्ट दिया जाता है, उनको खाने के लिए दिया जाता है, उनको घूमने फिरने के लिए दिया जाता है। एक ऐसा घर जो कि बहुत ही कमाल है, जो कि आपके बोलने पर हर चीज़ आपको मुहैया कर रहा है, आपको एक अवेलेबल कर रहा है, आपको हर चीज़ दे रहा है। आप उस घर से कब निकलना चाहोगे? तो वो एक घर बहुत ही एक हॉरर टाइप है जिसमें इंसानों के साथ खेला जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। वो ऐसा कुछ इन्होंने मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मूवी जो है बहुत अच्छी होते होते बच गई। एक एंड में जो है इन्होंने एक खच मार दी मूवी के अंदर कि वो एक बबल टाइप जो है, बंदा मरने के बाद बबल टाइप होके नीचे ज़मीन में गिर जाता है। कुछ सीन मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही हॉरर थे, लेकिन जो है इन्होंने एंड में एक मूवी को पूरी एक मूवी का सत्यानाश कर दिया, एक मूवी को मजाक में बना दिया, एक मूवी को एक थोड़ा घुमा फिर आके एक समझ लो बेकार कर दिया मूवी को। तो वहाँ से मूवी की स्टोरी एक चेंज हो जाती है, जिससे एक इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद एक मूवी जो है नॉर्मल स्टेज पर आ जाती है। तो मेरे लिहाज से ये मूवी देखना भी बनती है आप लोगों के लिए, और नहीं भी देखना बनती है, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत ऐसे सीन दिखाए गए हैं कि वो आप लोग देखोगे उनको कि वो अच्छे लगेंगे आप लोगों को, पर कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं कि आप लोग बोलोगे यार ये मूवी बेकार है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने मूवी देखी तो मुझे कुछ सीन इसके बहुत ही कमाल के लगे हैं, लेकिन कुछ सीन ऐसे थे जिनको देखना बनता ही नहीं। तो मैंने कहा ये मूवी एक तरह से इन्होंने मेरे लिहाज से एक बेकार है, क्योंकि फर्स्ट सीन जो इंट्रो था ना वो बहुत ही कमाल का था,
उसके बाद वो वाला सीन इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छा है, जब भी वो रोमांस कर रहे होते हैं यानी कि कपल्स, तो ऊपर से क्या होता है कि रूम का पूरा जो छत होती है जो भी होता है जो मतलब वो ऐसा ऐसा ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाती है, वो बेड के ऊपर होते हैं मतलब वो ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं स्टॉप हो जाओ, पर स्टॉप नहीं होती वो। वो नीचे आते आते उन्होंने एक नीचे से जो है रूम के अंदर एक क्रीम टाइप छोड़ देनी होती है, जिससे वो लड़की फंस जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए नीचे उतरती है कि छत रोकने के लिए, कोई स्विच वगैरह ऑफ करने के लिए, लेकिन वो नीचे उतरती है जैसे, तो क्या होता है कि उसके साथ उसके हाथ वगैरह चिपक जाते हैं, उसके घुटने चिपक जाते हैं नीचे, जिससे वो जो है अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प नहीं कर सकती और वो बंधा रहता है ऊपर हथकड़ियों से। उन्होंने रोमांस करना होता है, ये एक अडल्ट मूवी है, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते बिल्कुल भी, पर गाइस मेरे लिहाज से एक ये मूवी अच्छी भी थी पर इतनी खास नहीं थी, एक 5.10 में से 5.0 यानी कि इसकी रेटिंग हो सकती है, इतनी खास नहीं लगभग अच्छी थी, पर मूवी को एंड में इन्होंने बेकार कर दिया, जितनी मूवी अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन एंड में इन्होंने सीन सारा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से मूवी की रेटिंग या फिर जो है उसका देखने की चाहत जो है मूवी के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का रिव्यू, और मिलते हैं इसी तरह अच्छे अच्छे रिव्यू के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, गुड बाय।